उपचुनाव का प्रचार जैसे जैसे गति पकड़ता जा रहा है वैसे वैसे नेता विवादों में फंसते जा रहे हैं। अब मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी व राजमंत्री बिजेंद्र सिंह यादव का महिलाओं को साड़ी बांटते एक वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पहले मंत्री बिसाहूलाल सिंह का नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ था, तो अब मंत्री बिजेंद्र सिंह यादव महिलाओं को साड़ियां बांट रहे हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस संबंध में राजमंत्री यादव का कहना है कि ये वीडियो 19 सितंबर का जैन समाज के कार्यक्रम का है, जिसमें वो कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ताओं को साड़ी वितरित कर रहे हैं। इसका चुनाव आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इसको चुनावों को प्रभावित करने वाला वीडियो बताया है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी गैर विधायक मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा क्षेत्र की जनता को नोटों के साथ साथ साड़ियां बांटी जा रही है। एक मंत्री कल अनूपपुर में नोट बांटते मिले थे, आज ये साड़ियां बांटते मिले हैं। इससे पहले सुर्खी में एक मंत्री ने धार्मिक वातावरण में निर्मित किया बात। इस सब बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और उन्हें घबराहट है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का जो सिस्टम है उनका वो कर रहे हैं। इसकी शिकायत करके हमने आज मांग की है कि इनको तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और इनको चुनाव आयोग लड़ने से आयोग घोषित किया जाए, क्योंकि चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है, न विधायक है और गैर विधायक होते हुए मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टरों से इन वायरल वीडियो के बारे में रिपोर्ट तलब की है ताकि आगे की कार्रवाई को तय किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने मुंगावली से भाजपा उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह यादव का वीडियो जारी किया है। सलूजा ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं को प्रलोभन दे रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।